हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो हम आज की रेसिपी में आपके लिए टमाटर की मीठी चटनी लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर लगभग 1 kg पक्का हुआ टमाटर ले लिए हैं। उसे अच्छी तरह से पानी से हम वाश कर लिए हैं, यानी साफ कर लेना है पानी से इसे। उसके बाद हम कुकर लेंगे, कुकर में हम सारे टमाटर को डालेंगे और इसमें लगभग हम 1 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, यानी लगभग 500 ml पानी हमें इसमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे पानी रख कर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे गैस पर रखने के बाद इसमें हम 3 सीटी आने तक उबालेंगे। तो हम यहाँ पे इसमें 3 सीटी लगने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 3 सीटी लग गया है। तो अब हम देखते हैं कुकर को खोलने के बाद इसमें कैसा टमाटर का हाल है। तो यहाँ देखिए पूरी अच्छी तरह से टमाटर उबल चुका है। तो हम इसे अब किसी बर्तन में टमाटर को निकाल लेंगे अच्छी तरह से। सारे टमाटर को हमको एक एक करके निकाल लेना है। इस तरीके से सारे टमाटर को हमको निकाल लेना है। देख कितना अच्छा से उबल गया है कि इसका छिलका अपने आप बाहर आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसे ठंडा होने देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए। तब तक हम इसका छिलका हल्का हल्का करके हटा लेते हैं। ये देखिए सारे टमाटर के हम छिलका हटा लिए हैं और हम इसे अब ठंडा होने देते हैं ताकि मिक्सी जार में अच्छी तरह से ये इसका प्यूरी बन जाए। तो हम यहाँ पे थोड़ा आपको मसाले दिखा देते हैं इसमें क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे 5 फुरना है, यानी 5 सूखा मसाला को हम इसमें ऐड किए हैं। जवाइन, मंगरायल, सौंफ, मेथी, राई। यहाँ पे 2 तेज़पत्ता है। यहाँ पे नमक लिए हैं 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर और यहाँ पर तेल लिए हैं मस्टर्ड ऑयल। जितना तेल लगेगा हमें उतना ही इसमें से तेल यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अब बाकी की सामग्री को अब साइड करते हैं। अब हम देखते हैं टमाटर कितना ठंडा हुआ है। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी जार में रखेंगे और अच्छी तरह से इसका प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टमाटर को 2 भाग करेंगे। ज़्यादा टमाटर है इसलिए एक बार में ये प्यूरी नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका हम 2 भाग कर दिए हैं। तो यहाँ पे 2 भाग करने के बाद इसका हम प्यूरी बना रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा से टमाटर का प्यूरी बन गया। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी के टमाटर को इसी तरह इसका प्यूरी बना लेना है। ये देखिए इसका भी हम प्यूरी बना लिए हैं और इसको उसी बर्तन में रखेंगे जिसमें बाकी के टमाटर रखे थे प्यूरी बनाकर। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पे मोटा तली वाला यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो जब कढ़ाई अच्छी तरह से हीट हो जाए तो उसमें हम मस्टर्ड ऑयल रखेंगे। यहाँ पे लगभग 3 मीडियम साइज के स्पून से हम रखे हैं मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से जब हीट हो जाए तो हम इसमें सबसे पहले हींग रखेंगे थोड़ा सा, जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं, और 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और जो 5 सूखा मसाले रखे थे इसमें उसको ऐड करेंगे और इसका कलर चेंज होने देंगे कुछ सेकेंड के लिए। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम इसमें अब ऐड करेंगे प्यूरी को। तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग इसका कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम अभी इसमें ऐड कर दे रहे हैं टमाटर का जो हम प्यूरी बनाए थे उसको इसमें ऐड कर दिए हैं और हम इसको चलाते हुए इसको लगभग हमें 7 से 10 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके पकाना है।
तो हम इसमें अब बाकी के मसाले रख देते हैं, हल्दी पाउडर, नमक एक छोटी चम्मच रखे थे, और इसको चलाते हुए मतलब इसको पकाना है। इसमें टमाटर का जितना भी पानी है उसे हमें पूरी तरह से ड्राई कर देना है। इसमें थोड़ा सा हमको टमाटर का पानी नहीं रखना है, तो यहाँ पे इसको चलाते हुए हमको इसे पकाना है। लगभग आपको 10 मिनट लग ही जाएंगे, तो याद रखिए इस तरीके से आपको। और यहाँ पे हम लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा कलर के लिए इसको ऐड किए हैं, तो हम इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको लगातार, तो लगातार इसको चलाते हुए हमें इसे पकाना है। यहाँ देखिए लगभग पानी जो है टमाटर का पूरा सूख गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी उबल नहीं रहा है, एकदम से ड्राई होने लगा है। थोड़ा सा और इसको ड्राई और कर देते हैं। इस तरीके से देखिए पूरा इसका पानी सूख गया है, थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं है, अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। लगभग हम 1 kg टमाटर लिए थे, तो हम लगभग सारे पानी सूख गए हैं, तो हम इसमें 250 ग्राम ही डालेंगे, यानी 250 ग्राम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अब हम इसमें 250 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें लगभग 300 ग्राम चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसको चीनी को अच्छी तरह से घुलने देंगे। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए तो इसे लगातार याद रखें चलाते रहना है, हमें इसे चलाते हुए ही इसको पकाना है। यहाँ देखिए चीनी लगभग घुल गया है, तो इसे हम लगभग 2 मिनट के लिए और उबलने देंगे ताकि चीनी के साथ टमाटर जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ देखिए, ये देखिए इतना टेस्टी लग रहा है। गैस का फ्लेम अब लो कर दे और इसे लगभग 2 मिनट के लिए पकने दे। ये देखिए पूरी अच्छी तरह से ये बनकर अब तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, ये देखिए जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा वैसे ही ये जमना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जैम की तरह, टमाटो जैम इसे आप कह सकते हैं, घर का टमाटो जैम। तो इसे आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए, जैसे ही ये ठंडा होगा बिल्कुल जैम की तरह, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। ये देखिए कितना टेस्टी लजीज लग रहा है देखने में। तो ये देखिए बनकर तैयार है, देखिए ठंडा होने के बाद कितना जम गया है, ज़्यादा टाइट हो गया है। तो आप इसे बच्चों के साथ इसे खाइए, शेयर करिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक।